बात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। 2022 विधानसभा में मोहनलालगंज से विधायक, उसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और भारत सरकार में मंत्री कौशल किशोर जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है आपका, पहले की राजनीति के स्तर में और अब की राजनीतिक स्तर में कितना फर्क देखते हैं? पहले जो राजनीति होती थी वो जाति आधारित राजनीति थी, मगर उसका थोड़ा प्रसर कम था। धीरे धीरे वो प्रसर बढ़ता गया और जातियों में कट्टरता आती है, सामुदायिक कट्टरता आती है। और अब जब बीजेपी की सरकार है तो फिर वो मुद्दों पर जो विकास है, डेवलपमेंट है, उस पर हमारी बीजेपी की सरकार आई और लोगों को अलग अलग योजनाएं देकर के आवास देना, शौचालय देना, किसानों की आय दूनी करना, किसान निधि सम्मान देना, लोगों को राशन देना, 80% जनता को राशन देने का निर्णय लिया। पहले वो 2 रुपये किलो चावल प्रति यूनिट के, और फिर अभी कोरोना में जो आया तो मुफ्त में राशन कर दिया। दाल और आपका नमक और तेल ये भी फ्री किया, 1-1 किलो करने का काम किया। लोगों को गैस सिलेंडर छूटे दिए, बिजली का कनेक्शन मुफ्त दे दिया। सौभाग्य योजना के तहत और बिजली लोगों को भरपूर मिलने लगी। तो पहले जो थी लोगों को जातियों में बांट करके लोग करते थे, समुदाय में बांट के करते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई माननीय मोदी जी ने किया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश के निर्माण करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने सबके लिए काम करना शुरू किया। और जिसकी वजह से आज की राजनीति में और पिछली राजनीति में बड़ा फर्क है। आप मुलायम सिंह सरकार में राज्य मंत्री रहे, मौजूदा सरकार में केंद्र में आप खास पैर करते हैं, मोदी जी की विचारधारा पे आपके विचार? प्रदेश में मैं मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में रहा, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए से था, अगर 8 महीने से ज्यादा मैं नहीं रह पाया, मैं राज्य मंत्री का श्रम विभाग का, मैं चाहता था कि पूरे प्रदेश में श्रमिक थाने हो रहे हैं, जिससे जो लेबर है, मजदूर है, जो उसका पैसा मार लेते हैं, उनका जो शोषण होता है, श्रम का शोषण, तो उसमें FIR दर्ज हो और श्रम का शोषण करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। कुछ इस तरीके का बाल श्रम पे भी मैंने काम किया था कि बाल श्रमिकों के लिए भी काम हो और उनको जो बाल श्रमिक है वो मजबूरी में मजदूरी करते हैं, इसलिए उनको जो मालिक अपने यहाँ बाल श्रम कराता है उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं ये चाहता था कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, बल्कि उनको ये किया जाए कि वो अगर 4 घंटे उनसे काम लें तो 8 घंटे का पैसा दें और 4 घंटे उस बच्चे को मुफ्त में पढ़ाएं स्कूल में, ताकि वो बच्चा पढ़ करके एक अच्छा इंसान भी बन सके, उसका शोषण ना हो सके। तो इन चीज़ों के लिए मैं कानून बनाने की बात कर रहा था माननीय इमरान खान जी की सरकार ने, तो वो इस पर एग्री नहीं हुए। कुछ SC ST के मैटर थे जिसमें वो शिड्यूल का समाज की जमीन 5 बीघे से कम बगैर परमिशन के नहीं बेच सकते, वो एक कानून लाना चाहते थे, तो मैं उसको भी रोकने का कर रहा था। तो इसमें मेरी प्रतिनिधि गई तो मैंने 8 महीने में इस्तीफा दे देने का कहा। अब जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, तो वो अपने सपनों का भारत नहीं, केवल वो गरीब आदमी के जो सपना होता है कि मेरा मकान हो, मेरा आवास हो, उसमें शौचालय हो, मेरे पास रोजगार हो, उसमें उसको बिजली मिले, सारी सुविधाएं मिले, सारी चीजें हो, एक मजबूत राष्ट्र बने, दुनिया में बेहतर हिंदुस्तान बने, इस तरह का जो सपनों का भारत बनाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। उसमें मुझको भी जिम्मेदारी देने का काम किया है, मैं भी उस जिम्मेदारी में लगा हूँ और एक ऐसा राष्ट्र बने हिंदुस्तान जो दुनिया में एक अलग किस्म का हो, स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी, सबको आवास, सबको शौचालय, सबको रोजगार, सारी सुविधाएं लोगों को मिले, इस तरह का भारत, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी बनाना चाहते हैं, उस पर हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया के लीडर बन चुके हैं। अगर बात किया जाए 2022 की, तो 2022 में जो जनता है उसने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाया है। अब जनता ने अपना काम
लोगों के बारे, किस तरह के मुद्दे और किस तरह की तैयारियां हैं आगे जनता के विकास की। और एक रोजगार जो है मुद्दा है कौशल जी, रोजगार, उत्तर प्रदेश का युवा जो है कोरोना के बाद से बेरोजगारी की जो मार झेल रहा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां है सरकार की? हमारी ये जो सरकार बनी है और ज्यादा बहुमत से आती है, हम 300 से ज्यादा सीटें पाते हैं, क्योंकि जो पीएलओ थे अधिकतर उसमें शिक्षा मित्र और कुछ और लोग, उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ काम किया और बीजेपी का वोट हर बूथ पर 50 से लेकर के 100-125 वोट काटते हैं। उदाहरण मैं दूं तो जनपद सीतापुर में जो मिश्री विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव जीते राकेश भार्गव जी, वो पर्चा दाखिल किए, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और जब वोट डालने गए तो उनको मृतक दिखा दिया। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर तमाम तरह की धांधली इन लोगों ने, बीएलओ ने करने का काम किया समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने के, फिर भी जनता ने बड़े पैमाने पे बीजेपी को वोट किया और बीजेपी की सरकार। आज जहां तक कि मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ तो हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में बताया है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, या तो उसे नौकरी या उसे स्वरोजगार योजना के तहत लोन करा करके उसको रोजगार दिया जाएगा, यानी प्रत्येक घर में एक व्यक्ति कमाने वाला बनाया जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की का संकल्प है और इसके लिए हमारी सरकार ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। तो बेरोजगारी को भी पूरी तरीके से हम खत्म करेंगे और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। अगर बात किया जो महिला सुरक्षा की, तो सर आपके घर पत्नी भी बधाए गए, वो भी एक महिला है, महिला सुरक्षा और महिला को लेकर आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है प्रदेश का। देखिए, महिलाओं को बचाने का काम, सुरक्षित रखने का काम योगी जी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूती से लागू करने का काम किया और महिलाओं का पूरा विश्वास हुआ, और इसलिए समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने तमाम गुंडा अपराधी माफिया और दंगे में शामिल लोगों को टिकट दिया, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब पहले से ही कहने लगे कि अखिलेश जी आ रहे हैं और अलग तरीके से बात करने लगे, अलग तरीके से डर पैदा करने लगे, वोटिंग होने के बाद भी कहीं कहीं पर वो गुंडागर्दी माफिया की भी करने लगे और एक विधायक तो सीओ की पोखरी पकड़ पकड़ के पहले ही लड़ाने लगे, तो जनता के अंदर डर पैदा हुआ, खास करके महिलाओं के। तो महिलाएं समझ गई हम सुरक्षित नहीं रहेंगे देश की सरकार में, इसलिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। तो बड़े पैमाने पर सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। इसके अलावा हमारी सरकार ने राशन कार्ड महिलाओं के नाम, आवास महिलाओं के नाम, घर की मालिक महिलाओं के नाम बनाया मालकी, शौचालय महिलाओं के नाम, प्रत्येक बैंक से एक महिला उद्यमी बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने 4 अप्रैल 2016 को घोषणा किया था। सन 2023 तक के उत्तर प्रदेश में, यानी प्रदेश में करीब 1.25 लाख से ज्यादा बैंक की ब्रांचें हैं, यानी 1.25 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाना, यानी वो रोजगार देने का काम करेंगे लोगों को, तो इस तरीके से आर्थिक रूप से उनको खड़ा करना। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आगे बढ़ाना, आशा बहु है, आंगनबाड़ी वर्कर है, सहायिकाएं, उन लोगों को आगे बढ़ाना, तो जिस तरीके से सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया है उस पर महिलाओं का पूरा विश्वास है। और महिलाओं से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत जोड़ने की जरूरत है। जिस महिला ने, किसी गुंडे ने अगर उनकी तरह निगाह उठाया और डपट के वो खड़ी हो गई और चाटा मार दिया या भिड़ गई, वो महिला बहादुर शेरनी की तरीके से खड़ी रही, उसने अपनी इज्जत भी बचाई और महिलाओं के अंदर एक उत्साहन भी देने का काम। तो महिलाओं को हिम्मत रखने की जरूरत है। बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार उनके साथ खड़ी है, हर तरीके से तन मन धन से हर तरीके से उनको सुरक्षा देने का काम किया जाएगा। और आप देखे होंगे जैसे ही शपथ लिया, शपथ लेने के पहले ही तमाम अपराधियों और गुंडों ने थानों में जाकर के अपने को सरेंडर कर दिया जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, और कहा मुझे जेल भेज दो, मैं बाहर नहीं रहना चाहता, मैं जेल में रहने का काम करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे कि योगी जी की सरकार आ गई, बुलडोजर बाबा की सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार आ गई, माफिया गिरी यहाँ नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आंखें दिखाने का काम अपराधी करेगा काम जरूर, पतवी जी करेंगे जरूर, गुंडे करेंगे जरूर, इसलिए अपने आप को खुद उन्होंने सरेंडर कर दिया जो अपराधी किस्म के लोग थे और जेल चले।
आप समाजवादी सरकार में भी कुछ ही महीनों के लिए मंत्री रहे हैं, इस बार विपक्ष में समाजवादी पार्टी आपके सामने खड़ी, कितने मजबूत रूप में आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं थी, विपक्ष के रूप में कितना मजबूत थी? विपक्ष के रूप में जो आए हैं इसमें उन लोगों ने ज्यादा वोट दिया जो लोग अपना निजी फायदा चाहते थे, तमाम निजी हित चाहते थे, बंगई जो लोग करते थे उन लोगों ने वोट का वोट किया, और इसमें बीएलओ ने भी उनको वोट बढ़ाने का काम किया। तो क्या समाजवादी पार्टी निजी फायदा वालों को सपोर्ट करती है सर? निश्चित तरीके से समाजवादी पार्टी जो अपना निजी फायदा करने वालों का परिवारवाद की तरीके से पार्टी को चलाने का काम करते हैं, और उन लोगों ने उनके ऊपर से जनता का विश्वास उठा है, जनता का विश्वास उठा है, और आने वाले समय में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर था, जो कार्यकर्ता था, वोटर था, उनका बहन मायावती जिससे विश्वास उठ गया और उनका वोट बढ़ गया, उसी तरीके से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पर से भी जनता का विश्वास खत्म हो रहा है, आने वाले समय में उनका भी साथ लोग नहीं देंगे, और उनका वोटर भी जिनको हम फायदा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है वो भी बीजेपी को वोट करेंगे। अगर बात किया जाए अखिलेश यादव की, तो अभी विधान परिषद के चुनाव को लेकर वो लगातार जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गुंडई कर रही है, धांधली कर रही है, उस पर क्या कहना है आप? भारतीय जनता पार्टी क्या गुंडई कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो कोई गुंडागर्दी नहीं कर रही है, गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने किसी भी अपराधी, किसी भी आदमी के टिकट देने का काम नहीं किया, उन्होंने ही कुछ अपराधियों को टिकट इसमें भी देने का काम किया। हमारी पार्टी के साथ लोग, चाहे वो विधायक हो, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी के मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, अपने आप लोग सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी को वोट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, चाहते हैं जानते हैं बीजेपी की सरकार है ये, इसलिए हम विधान परिषद में भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करेंगे तो हमको डेवलपमेंट होगा, गाँव का विकास होगा, लोगों की मदद करने का काम करेंगे। तो जो लोग देश का फायदा चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं, अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं, वो सारे लोग बीजेपी के साथ। 24वें सर लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में योगी लहर पूरी तरह से हावी रहा, उसी तरह से 24 में भी आप देखते हैं? 24 में हम 2019 से ज्यादा सीटें पाएंगे, 2014 में जो सीटें पाए थे उससे ज्यादा भी बड़ा एक रिकॉर्ड बनाने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे, और फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा वोटें पाकर के चुनाव जीतेंगे, और जो वोट हमारे भाजपा के वोटर को, ट्रेडिशनल वोट को, परंपरागत जो बीएलओ मौजूदा हालत में थे जिन्होंने काटने का काम किया है, उनका पुनरीक्षण होगा और उनकी वोटें बढ़ाकर के बढ़ेगी उनकी, उनका मतदान, उन्होंने अपराध किया है लोगों को मतदान करने से रोकने का, जो खुद से प्रयास किया है। मैं निर्वाचन आयोग से करूंगा तो गिरफ्तार। सर एक आखिरी सवाल, मैम भी विधायक है, कभी कभी संसद में जिस तरह से तीखी चीजें हो जाती है, क्या वो घर में भी कभी कभी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मसले आते हैं कि उनके सर पास होता है कि दो एक परिवार से दो दो नेता है, राजनेता और नेता, कभी विचारधारा अलग हो जाती है, कभी किसी मुद्दे पे सहमति नहीं हो पाती है, ऐसा कोई मसला अभी तक आया नहीं। विचारधारा हम लोगों की एक है और एक ही विचारधारा पे काम कर रहे हैं, लोग जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के साथ बैठे मिलते हैं, जनता को यह आभास नहीं होने देते इसमें कौन सांसद है, कौन विधायक है, वो हम नहीं है, तो विधायक जी हमारा भी काम देख करके करते हैं, परिवार भी हमारा पूरा काम देखने पर काम करता है, चाहे वो मेरे लड़के प्रभात किशोर जय के हों, चाहे विकास किशोर अशु हों, सब लोग करते हैं, टीम वर्क हम करते हैं, टीम के लोग साथ में काम करते हैं, जो हमारा कपड़े करने का काम करते हैं वो भी काम करते हैं, गैर मौजूदगी में भी। अगर कोई मामला आया, किसी ने विधायक जी को कुछ दूसरी बात बताई, दूसरे पक्ष ने हमको कुछ दूसरी बात बताई, तो दोनों पक्ष को बुला के एक जगह बैठाते हैं, उनकी बात पर सहमत करके उन्हीं के द्वारा उस फैसले को निष्पादन करते हैं। पूरा परिवार जनता के लिए इस वक्त मौजूद है, पूरा परिवार जनता की सेवा में है आपका? हाँ, पूरा परिवार जनता के लिए है, और मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह से काम करने में मुझे लगता है कि हमें सोने के लिए नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती है, हम लोग जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं वैसे ही सो जाते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में
काम करने का जो मानसिक संतुष्टि है वो हम लोगों के अंदर रहती है, हम लोग किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, सबकी बात सुनते हैं, किसी से पूछते नहीं कहाँ रहे, किस पार्टी में रहे, किस गाँव के हैं, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है। पीड़ित आदमी की बात को सुनकर के उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन लोगों से मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हम लोगों को हराने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे काम भी कराया और फिर भी हमारी वो पावर छीनना चाहते थे जिस पावर के जरिए हम उन्हीं की मदद करते हैं, ऐसे लोगों को अपने विचार बदलने होंगे। जो बहक जाते हैं, जो दूसरे के वैभव में आ जाते हैं या फ्लोटिंग बोर्ड की तरीके से बहाव में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, उन लोगों को दृढ़ निश्चय करना होगा या हम विचारधारा से जुड़ेंगे या डर करके जुड़ेंगे, या हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो जनता के लिए काम करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो पैसा देकर के काम कराते हैं। तो ये उनको अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। और इस पर जो है मैं एक समीक्षा भी कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो हम लोगों के लिए जिनका हम काम किए और वही काम करने की हमारी पावर एमएलए और एमपी की छीनने का प्रयास करते हैं, यानी वो अपना भी काम करने से रोकने का काम करने के लिए ताकत लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को उनकी विचारधारा को बदलने का प्रयास करेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि फिर से सोचो और विचार करो, देश के निर्माण के लिए काम करो, समाज के निर्माण के लिए काम करो। जो लोग व्यक्तिगत अपनी पावर को मजबूत करना चाहते हैं ऐसे लोगों का साथ छोड़ो, क्योंकि वो परमानेंट आपके साथ खड़े होने वाले नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि कौशल किशोर जी हमारे साथ जिन्होंने बड़ी विपाकी से अपनी बात की, और सबसे जो अहम बात है इनका पूरा जो परिवार है, इनकी धर्म पत्नी भी विधायक है, इनका पूरा परिवार पूरी तरह से जनता के लिए सामने है हमारे इस खास सेगमेंट में, और भी हम सबसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, देखते रहिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।